हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हर्षिला क्लासेस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। आप लोग घर पे अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप पहली कक्षा में नहीं है, दूसरी कक्षा में नहीं है, तीसरी कक्षा में नहीं है, आठवीं कक्षा में नहीं है, नौवीं कक्षा में भी नहीं है, आप हैं दसवीं कक्षा में। और दसवीं कक्षा में हैं तो आपका बोर्ड भी होने वाला है, ठीक है? तो बोर्ड होने वाला है, तो बोर्ड एग्ज़ाम आप ऐसे ही नहीं पास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बातों को, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। और उसके लिए जो है हम लगातार वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, और आप लोग जो है उसको देखिए और उसे तैयारी कीजिए, ठीक है? तो पढ़ते रहिए और तभी बोर्ड निकल पाएगा, बोर्ड हम लोग बढ़िया से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? वैसे आसानी से तो सब कोई कर लेगा, लेकिन उसमें अधिक नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो उसको लिए हम लोग अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखें, ना कि अपना टाइम बर्बाद करें। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, टेंथ फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। फिजिक्स का कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में शायद चैप्टर 10 में है, ठीक है? तो उसी का ले लीजिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर देख रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और पिछले वीडियो में जो है हम आपको जो है गोलीय दर्पण के बारे में बता चुके हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है बहुत सारे पिछले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके पहले पीछे देख लीजिए। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि गोलीय दर्पण में आखिर प्रकाश आती है तो कहाँ कहाँ से प्रकाश आ सकती है, और कहाँ कहाँ से जो है प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, ये कैसे होता है, इन सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे तो अगला वीडियो जो है आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप लोग को प्रतिबिंब बनाने नहीं आएगा, प्रतिबिंब की स्थिति पता करने नहीं आएगा। कहिएगा कि हम तो याद कर लेंगे, तो याद तो कर लीजिएगा, लेकिन आपके मन में सदा यह बना रहेगा कि हाँ आखिर ये कैसे हुआ है। आपके एग्जाम में भी पूछता है कि प्रतिबिंब अगर फोकस पर हो, अगर फोकस पर की वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब दिखाइए। एग्जाम में भी पूछेगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, किरण आरेख द्वारा बताइए। तो ये सब पूछता है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है? फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स का मजा लेना सीखिए। तो सबसे पहले मान लीजिए, पहले हम लोग अवतल दर्पण में देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है? मान लीजिए यह क्या है, एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का यह जो है, यह बीच वाला भाग, यह क्या है, ध्रुव है, ठीक? और यहाँ से जो है, यहाँ पर जो है मान लीजिए आपका सी है। पहली बात क्या है, समानांतर आती है किरण। किरण कैसे आती है जी, समांतर आती है। कहती है कि हम जो है कभी मुख्य अक्ष से नहीं मिलेंगे, ठीक है? किरण जो है समानांतर आती है, एकदम घमंड में चूर है, ठीक है? तो किरण समानांतर आई, और आपको पता है, आपको फोकस की परिभाषा में बता चुके हैं कि जब भी किरण समानांतर आती है तो यह दर्पण से परावर्तित होती है। मान लीजिए यह किरण ए है, यह बी पर टकराई, यह दर्पण जो है एक्स एक्स डैश है, ठीक है? यह बी पर टकराई और यह एक बिंदु से हो जा निकलेगी। यह परावर्तन के पास कहाँ से निकलेगी, एक बिंदु से निकलेगी भाई, कहाँ से निकलेगी, एक बिंदु से निकलेगी, एक बिंदु से निकलेगी। यह परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से निकलेगी, और इसी बिंदु को क्या कहा जाता था, फोकस कहा जाता था, ठीक है? तो याद रखिएगा, दर्पण में, अवतल दर्पण में यह किरण आरेख उसी का है,
अवतल दर्पण में अगर कोई किरण दर्पण के समानांतर आती है तो प्रकाश अपवर्तन होने के पश्चात वह कहाँ से गुजर के जाती है, वह जाती है फोकस से गुजर के जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। समानांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा। इस बात को हम आगे लिखेंगे भी, अगला देखते हैं। इस बात को आप लोग समझे होंगे। देखिए सबसे पहले क्या, यह मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर एक किरण आई है, ठीक है, और यह परावर्तन के पश्चात यहाँ एफ से निकल कर चली गई। यहाँ पर एक अभिलंब डाल दीजिए ना, अभिलंब डाल दिया, यह क्या हो गया, यह कोण आई हो गया, यह क्या हो गया, कोण आई हो गया, यह कोण आर हो गया। तो यह भी परावर्तन के नियम का पालन करती है। आपको पता है परावर्तन का नियम का पालन तो सारा दर्पण करता है ना जी। तो यह आई कोण बना के आर कोण से निकल गई। आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो यह आई कोण बनाते हुए आई और आर कोण बनाते हुए निकल गई, यानी कि दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो याद रखिएगा यह भी परावर्तन के नियम का पालन कर रही है। दूसरा क्या, इसी का सेम ऑपोजिट, समानांतर का सेम ऑपोजिट। अब की बार देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसमें फोकस से परावर्तित किरण गुजरा है। इसमें आपतित किरण कहाँ से आया है, इसमें आपतित किरण जो है आई है समानांतर, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। और परावर्तित किरण कहाँ से गई है, परावर्तित किरण कहाँ से गई है भाई, जल्दी बताओ कहाँ से गई है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण गई है फोकस से। कहाँ से होकर गई है, फोकस से, मुख्य फोकस से होकर गई है। कहाँ से होकर गई है, फोकस से होकर गई है। अब की बार जो है आपतित किरण रखेंगे फोकस पे और देखेंगे परावर्तित किरण कहाँ से जाती है। सेम ऑपोजिट है इसका दूसरा नंबर। फिर से एक फिगर बनाते हैं प्यारा सा। यहाँ पे इस दर्पण का क्या है, यहाँ पे इसका ध्रुव है। चलिए यहाँ पे एक हमने खींचा क्या, मुख्य अक्ष खींचा, क्या खींचा, मुख्य अक्ष खींचा। मुख्य अक्ष पे यहाँ पे एक सी ले लिया। मान लीजिए कि किरण जो है यहाँ पे मान लीजिए एफ है। किरण देखिए कैसे होगा जी, देखिए मान लीजिए कि किरण इधर नीचे से गुजर रहा है, ऊपर से गुजर रहा है, ऊपर से गुजारते हैं पहले। किरण जो है एफ से आपतित हुई ऐसे, ठीक है, एफ से आपतित हुई ऐसे। तो याद रखिएगा सेम ऑपोजिट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर फोकस से होकर गुजरी थी, इसी को हमने यहाँ पर फोकस को आपतित किरण बना दिया। आपतित किरण कहाँ से गुजर रही, आ रही है, आपतित किरण आ रही है। इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है। आपतित किरण आ रही है एफ से, आपतित किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। यहाँ पे डायरेक्ट फोकस लिखते हैं, कुछ लोगों को एफ समझ में नहीं आएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा उन लोगों के लिए यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, फोकस को ही एफ कहा जाता है। याद रखिएगा बड़का एफ जो है, कैपिटल एफ, कैपिटल लेटर का एफ जो है फोकस को निरूपित करता है। तो यहाँ से एक किरण आई, ठीक है, अब यह गुजरती है दर्पण से एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर। कैसे गुजरेगी जी, एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर। हमने तो थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा तो थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप लोग स्केल से खींचिएगा, हम बिना स्केल का खींच रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यह किरण है ए और यह आई बी पे और टकरा के चली गई डी से, ठीक है, कैसे चली गई, डी से चली गई, डी से। देखिए यहाँ पे आपतित किरण आई फोकस से, आपतित किरण कहाँ से आई, फोकस से आई, और परावर्तित किरण कहाँ से गई, देखिए फिगर और बताइए हमको परावर्तित किरण कहाँ से गई, परावर्तित किरण गई समानांतर, कहाँ से गई, समानांतर गई। समझ रहा ना बात, जब समानांतर आई तो फोकस से गई, जब फोकस से आई तो समानांतर गई, जब समानांतर आई तो फोकस से गई और फोकस से आई तो समानांतर गई। अब आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो है फोकस से आई है ना, दूसरा में फोकस से आई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग शब्द के रूप में भी लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए दो देख चुके हैं, एक समानांतर आई थी तो फोकस से गई थी और फोकस से आई थी तो समानांतर गई थी। तीसरी देखते हैं,
तीसरी देखते हैं, तीसरी क्या है, तीसरी में भी एक दर्पण बनाते हैं, तीसरी में भी एक दर्पण बनाएंगे, यहाँ पर भी एक रखेंगे पी और यहाँ से खींचेंगे एक मुख्य अक्ष। क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, यहाँ पे है बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे नहीं रखते हैं, रखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सी है और यहाँ पे जो है बिंदु एफ है। एक किरण जो है, एक किरण सी से गुजरी, अब की बार कहाँ से गुजरी भाई, सी से गुजरी, सी से आई। आपको पता है कि यह परावर्तन का नियम का पालन करेगी, यह किरण जो है अब की बार किरण जो है वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी कि सी से, वक्रता केंद्र यानी कि सी से। आपतित किरण कहाँ से गुजरी है अब की बार, आपतित किरण कहाँ से गुजरी है, आपतित किरण गुजरी है, आपतित किरण गुजरी है वक्रता केंद्र से, कहाँ से, वक्रता केंद्र से। देख लो ये इसका परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा। आपको पता है कि यह परावर्तन का नियम का पालन तो करेगा भाई, अब करेगा तो देखिए, अब सी से मिलाएंगे तो यहाँ पे जीरो डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, जीरो डिग्री का कोण बनेगा, नहीं अब यहाँ से माने मान लीजिए कि ये क्या है और इसी पर एक और रेखा है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा जी, इन दोनों रेखाओं के बीच में एगो ए है एगो बी है, इसी पर एगो रेखा और खींच दिया गया, मैंने मान लीजिए हियाँ है तो हियाँ तो एक डिग्री बनेगा, अब मान लीजिए इसी पर है तो कितना डिग्री बनेगा, जीरो डिग्री बनेगा। सेम इसी तरह है, यहाँ से आई, यहाँ से आई तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, जीरो डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, आई है तो जीरो डिग्री का कोण बनेगा। अब परावर्तन कोण भी कितना होगा जी, जीरो डिग्री होगा, मैंने यहीं से वापस भी चली जाएगी, जैसे रास्ते आई वैसे रास्ते लौट गई, जैसे रास्ते आई वैसे रास्ते लौट गई, यानी कि यह भी वक्रता केंद्र से कहाँ हो जाएगा, गुजर जाएगा, यह भी वक्रता केंद्र से गुजर जाएगा, यह कहाँ से गुजर जाएगा, वक्रता केंद्र से गुजर जाएगा। और एक देखेंगे अंतिम, अंतिम जो है यह एक चौथी किरण है, ये चौथी किरण है, किरण जो है चार है, तो यह चौथी किरण है, यह जो है आपका जो है अवतल दर्पण है पी और यहाँ पर एक खींच देते हैं मुख्य अक्ष, यह बिंदु है उसका सी और यह है एफ, यहाँ से जो है अब देखिए अब की बार क्या होगा, अब की बार ना सी पर आया, ना अब की बार समानांतर आया, ना एफ पर आया ना सी पर आया, अब की बार आया पी पर, कहाँ पे आया जी, पी पर आया, कहाँ पे आया, पी पर आया, कैसे आया, पी पे आया। अब देखिए सी से अभिलंब यहाँ तक खींचा ही हुआ है, खींचने की जरूरत है जी, नहीं, यानी कि यह कोण क्या हो जाएगा, कोण आई हो जाएगा, यह कोण क्या हो जाएगा, कोण आई हो जाएगा। अब यह जो है आर कोण बनाते हुए ऐसे ही निकल जाएगी, आपको पता है ना जी, आई बराबर आर, तो समान समान कोण बनाते हुए निकल जाएगी, माने ऐसे निकल जाएगी, हाँ ऐसे आई और ऐसे जो है निकल गई, ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ठीक है। तो इसका इसका जो है इसका आपतित किरण जो है कहाँ से गई, पी पर नहीं, और परावर्तित किरण क्या होगी, आर कोण बनाते हुए निकल जाएगी, परावर्तित किरण जो है आई बराबर आर कोण बनाते निकल जाएगी, बनाते हुए क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये थी हमारी अवतल दर्पण में, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी उत्तल दर्पण की भी। अभी तक हम लोग ने चार सीखा, एक फोकस पर आई है, एक समानांतर आई है, एक वक्रता केंद्र पर आई है और एक ध्रुव पर आई है। याद रखिएगा चार तरह से किरण गुजारेंगे, आपको प्रतिबिंब में सारी किरणें गुजारनी है तो इन चारों बातों को तो जरूर याद रखना पड़ेगा। आपने इसको नोट कर लिया, मिटा देते हैं इसको। तो प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको किरण गुजारना आना चाहिए ना जी। कितने की तरह से किरण गुजारेंगे, चार तरह से, एक ध्रुव से, वक्रता केंद्र से, फोकस से और समानांतर, इन चारों किरणों में से आप कहीं से गुजार सकते हैं। आगे बताएंगे कितनी किरणें गुजारना है प्रतिबिंब बनाने के लिए। चलिए पहले उत्तल दर्पण में बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में फोकस समानांतर आएगा तो क्या होगा, उत्तल दर्पण में अगर ये आपको किरण गुजारना नहीं आता है ना तो आप प्रतिबिंब जिंदगी में कभी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए
कि यह जो है इसका मुख्य अक्ष, यह है पी, यह है एफ और यह है सी। यहाँ पर इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमको प्रतिबिंब आसानी से बन जाए। यहाँ पे लिख देते हैं समानांतर, ठीक है। तो एक समानांतर किरण गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक समानांतर किरण गुजार रहे हैं, बड़ी नेक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यह जो है परावर्तित होकर निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी बाबू, तो ऐसे निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। यह किरण आई ए बी, आई निकल गई डी, ए बी डी, यह आई यहाँ से निकल गई, यह आई यहाँ से निकल गई। यह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यह किरण आती हुई प्रतीत होगी एफ से। यह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी एफ से। तो याद रखिएगा यहाँ पर केवल प्रतीत होता है, यहाँ पर क्या होता है, केवल प्रतीत होगा आपको। जितने सारे किरणों की बात करने वाले सबको आपको प्रतीत कराएंगे, केवल आभास कराएंगे, वास्तविक कुछ नहीं होगा। तो यह किरण जो है आई और यहाँ से जो है आपतित किरण लगेगा क्या, यह डी जो है निकल गई। अब देखिए यहाँ पर अभिलंब डाल लेते हैं, थोड़ा सा अभिलंब डाल लेते हैं। यह कोण क्या हो जाएगा भाई, यह एन मान लीजिए, यह कोण हो गया आर, यह सॉरी यह आई हो गया और यह आर हो गया। आई बराबर आर बनाते हुए निकल जाएगी बेचारी ये। अब देखिए यह कहाँ से आती हुई होगी प्रतीत होगी एफ से। तो इसीलिए जो है उत्तल दर्पण में अगर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर है, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो वह जो है दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब इसका सेम अपोजिट करेंगे, दूसरा आपको क्या बताया है, कहाँ से गुजरना है बाबू, फोकस से गुजरना है। कहाँ से गुजरना है, फोकस से गुजरना है। दूसरा आपको गुजरना है फोकस से। चलिए इसको भी बना लेते हैं, जितनी आसानी से बन जाए उतना मज़ा। यह क्या है, उत्तल दर्पण है, नहीं यह इसका P है, यह इसका F है और यह इसका C है। अब एक किरण ऐसे आ रही है, एक किरण जो है ऐसे आ रही है, यह किरण आ रही है, यह A है, यह B है, यह किरण आ रही है कि लग रही है कि F पर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, F पर चली जाएगी। और यह जो है दर्पण के समानांतर जाके निकल जा रही है। कैसे निकल जा रही है, दर्पण के समानांतर निकल के चल जा रही है। एक और किरण डाल दे क्या, नीचे से भी डाल सकते हो, नीचे से भी डाल सकते हो ऐसे। यह किरण यहाँ से गई और यह क्या हुई, दर्पण के समानांतर निकल गई। कैसे निकल गई भाई, दर्पण के समानांतर। यह लगेगा क्या, यह जा रही है एफ पर। कहाँ जा रही है, लगेगा क्या कि यह एफ पर जा रही है और यह जो है समानांतर आके निकल गई है। यह मान लीजिए डी है, यह मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए एक्स, यह मान लीजिए वाई और यह मान लीजिए जेड। यह आई, यह निकल गई, यह कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, यह आती हुई प्रतीत हो रही है एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका आप लोग ऐसे बनाइएगा, याद रखिएगा जब तक ये बनाने नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा, प्रतिबिंब बनाने आएगा ही नहीं, बात ही मत कीजिएगा उसका जब तक ये नहीं बनाना सीख लेते, ठीक है। तो यह समानांतर आई, फोकस से आई, तो इसमें भी वही होता है जो क्या होता है अवतल दर्पण में होता है, बस वहाँ पर रियलिटी में होता है, यहाँ पर केवल आभास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे कि आपतित किरण आई समानांतर और निकल गई फोकस से। यहाँ पर आपतित किरण आई फोकस से, निकल गई समानांतर। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला बात हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अगला दो जो किरण है प्रतिबिंब बनाने के लिए उसको। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या था हमारा, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से। इसमें क्या कराना है, केवल प्रतीत कराना है, चिंता करने की बात नहीं है, केवल हमको प्रतीत करा देना है कि वक्रता केंद्र से गुजर रही है। तो बना लीजिए, एक पी हो गया, हई हो गया एफ, हई हो गया सी। एक ऐसा किरण डालेंगे
कि लगे कि कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, एफ सी पर जा रही है, कहाँ जा रही है, सी पर जा रही है। तो यह किरण क्या होगा, यह 0 डिग्री कोण बनाएगा, सी से अभिलंब डालेंगे ना जी, 0 डिग्री का कोण बनेगा। सेम वैसे ही यह किरण जैसे जिस रास्ते आई है उसी रास्ते बेचारे वापस चली जाएगी, ए बी जिस रास्ते से आई उसी रास्ते वापस चली जाएगी, इसमें ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी गुजार सकते हैं, नीचे से भी गुजार सकते हो, नीचे से भी गुजार सकते हैं, यहाँ से आई और फिर यहाँ से लौट गई, यह मान लीजिए एक्स है, यह मान लीजिए वाई है। समझ रहे हैं बात, बात समझ में आ रहा है ना जी, यहाँ पर केवल प्रतीत करा देना है। ठीक है, अब चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या था हमारा, चौथा नंबर था ध्रुव से गुजरना है, कहाँ से, ध्रुव से, ध्रुव से गुजारना है। तो ध्रुव से गुजार देते हैं, मिटा देते हैं, इसको जो है बना लेते हैं। यह क्या हो गया, यह P हो गया, यह F हो गया और यह क्या हो गया, C हो गया। अब ध्रुव से चलिए गुजार देते हैं, आई ध्रुव पे, यह यही ना परावर्तक सत्य यहाँ पर आया और फिर जो है यह आई कोण से आया और कोण बनाते हुए निकल गया। यह किरण जो है आई है, यह किरण गई है, यह किरण आई है, यह किरण चली गई है। तो यह ऐसे आई और ऐसे निकल गई थी। ये थे आपके प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणों को गुजारना दर्पण से, कितनी तरह से गुजार सकते हैं, 4 तरह से गुजार सकते हैं। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, आपने अवतल दर्पण में भी देख लिया, उत्तल दर्पण में भी देख लिया, अब हम लोग उसी को जो है केवल शब्दों में लिख देंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चलिए हमने जो पढ़ा है उसी बात को हमने जो है उसको लिख दिया है यहाँ पे। तो क्या होगा, देखिए उसको लिखा है क्या, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हमने देख लिया है। अवतल दर्पण में जाती है और उत्तल दर्पण में जो है आती हुई प्रतीत होती है। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, गोलीय दर्पण के फोकस पर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है अथवा निकलती हुई प्रतीत, निकलती है मैंने अवतल दर्पण में, निकलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। चलिए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते क्या होती है, वापस लौट जाती है या लौटती हुई प्रतीत होती है, लौटती है अवतल दर्पण, लौटती हुई प्रतीत होती है अवतल दर्पण। जहाँ पर भी प्रतीत होती है, आभास होता है, शब्द लग जाए आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा माने उत्तल दर्पण। चलिए अगला है, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी पर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आई बराबर आर कोण बनाते हुए परावर्तित होती है अथवा परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है, परावर्तित होती है अवतल दर्पण और परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। चलिए आप लोगों ने किरणों को समझ लिया होगा कैसे कैसे परावर्तित होती है। अगले वीडियो में जो है हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए वही फॉर्मूला जिसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं जी, जो पिछले वीडियो दो वीडियो में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे जी, इस फॉर्मूले की आखिर निकला कैसे है, ए बराबर आर बाई टू आया कैसे है, उत्तल दर्पण में कैसे आया, अवतल दर्पण में कैसे आया, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ, आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज रहने देंगे बस इतना ही, धन्यवाद।